नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबेश। स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में, जहां पर नेता पक्ष विपक्ष अपनी राय यहां पर रखते हैं। और आज का मुद्दा हमारा है CAA को लेकर। CAA को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहा है, शाहीन बाग में चल रहा है, उसके बाद 144 याचिकाएं जो दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको लेकर आज सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल केंद्र सरकार का जो पक्ष है, केंद्र सरकार के जवाब के बिना इस मामले पर वो रोक नहीं लगा सकता है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की तरफ से लगातार बार बार जोर दिया जा रहा था कि इसको 3 महीने के लिए कम से कम रोक दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है, जैसे कि यूपी में देख रहे, तो इसको लेकर जो कोशिशें हैं वो तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि वक्त दिया जाए, फैसला तब तक आ जाएगा, लेकिन फिलहाल 4 हफ्ते का वक्त यहां पर केंद्र सरकार को दिया गया है कि जब केंद्र सरकार अपना जवाब जो है इस पर दाखिल करेगी। इसके साथ ही संकेत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ दे दिए हैं संवैधानिक पीठ के गठन को लेकर, और इसमें किस तरह से पक्ष सामने आएगा, विपक्ष सामने आएगा, इसको लेकर ये फेस टू फेस हमारा कार्यक्रम आगे चलेगा। और इसी में पक्ष अपना यहां पर रखते नजर आएंगे बीजेपी के नेता अभिनव जैन जी, और इसके साथ ही विपक्ष में जिस तरह से कांग्रेस है, तो यहां पर अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये यहां पर वाद विवाद करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे और विपक्ष किस तरह से अपना पक्ष रखता है ये यहां पर देखना होगा। CAA पर फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। CAA के विरोधियों को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। CJI बोले एक तरफा रोक नहीं लगा सकते। नागरिकता कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नागरिकता कानून पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। नागरिकता कानून पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र का पक्ष सुने बिना CAA पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करेगा। नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है और कहा है कि अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने, हमने इंटरिम स्टे नहीं मांगा था, कोई भी किस्म का आज हमने स्टे नहीं मांगा था। हमने ये कहा था कि आप हमारी इस स्टे की एप्लीकेशन, इसके ऊपर एक डेट फिक्स कर दीजिए जिसके ऊपर एक प्रॉपर सुनवाई हो सके, उसको कोर्ट ने अग्री कर लिया। और कोर्ट ने इस सजेशन को भी माना कि 5 जजेस बेंच इस मामले को सुने और वो हो सकता है उसके ऊपर भी वो ऑर्डर पास करें कि 5 जजेस बेंच को मैटर रेफर कर दें। और 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्लाई करने के लिए सारी एप्लीकेशंस के, सारी पिटिशंस के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र का पक्ष सुने बिना CAA पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करेगा। नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है और कहा है कि अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि CAA का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने संबंधी आदेश 4 हफ्ते बाद ही जारी किया जाएगा। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं है।
आज करीब 148 पिटीशंस लिस्टेड थी। सारे पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि अपना काउंटर एफिडेविट विद इन 4 वीक्स 4 हफ्ते के अंदर फाइल करें, और 5वें हफ्ते में जो हमारे इंटरिम प्रेयर्स थी, इंटरिम स्टे की बात करें तो उस पर आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी इंडिकेशन दी है कि शायद इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेस बेंच को भी रेफर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत खुशी की खबर है हम सबके लिए, अब सारे देशवासियों के लिए, कि जो नागरिकता छीनने का कानून ये आया है, ये अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस ले चुका है और हमको लगता है इस पे बहुत जल्द कुछ अच्छा फैसला आएगा। CAA पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में पहले 60 याचिकाएं दायर हुई थी। पिछले दिनों 84 नई याचिकाएं लगाई गई। बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक किसी भी हाई कोर्ट में CAA से जुड़ी याचिका पर सुनवाई ना हो। क्या है नागरिकता कानून? संशोधित कानून के मुताबिक धार्मिक प्रताड़ना के चलते 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नागरिकता विधेयक 2019 को मंजूरी के बाद ये कानून बन गया था। अब नागरिकता कानून को लेकर समर्थन और विरोध का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ कानून पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसे कानून के विरोधियों को तगड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो विरोध किया, प्रदर्शन किया, और जैसा कि बीजेपी का कहना है कि लगातार विपक्ष जो है CAA को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, और इसी भ्रम को दूर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जहां जन जागरण अभियान भी इसके तहत चलाया जा रहा है और इस भ्रम को पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश और ये बतलाने की कोशिश जो CAA है वो नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का अधिकार है और इससे नागरिकता हम देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर देखा जाए तो देश में जगह जगह तस्वीरें भी आ रही हैं इस प्रदर्शन की, और कह सकते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इसमें एक तगड़ा झटका यहां पर विपक्ष को लग गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और सबसे पहला सवाल मेरा यहां पर कांग्रेस के नेता है अजय अरोड़ा जी से है यहां पर। सर, कोशिश तो बहुत की गई थी लेकिन अंत में यहां पर तगड़ा झटका लगा है आप लोगों को। 3 महीने का वक्त मांगा गया था कपिल सिब्बल की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि पहले केंद्र सरकार का जवाब आने दीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, इसका हम आदर करते हैं। हमने अपनी बात रखी, हमने सिर्फ 62 दिन फालतू मांगे, 4 हफ्ते की जगह हमने 3 महीने की बात की, इसलिए कि ये बिल दलित विरोधी, एक समुदाय विरोधी, ये बिल की हम निंदा करते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपका जो शीर्षक था फेस टू फेस, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने फेस टू फेस बात नहीं की, वो कहते हैं ना एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। नो झूठ बोले इन्होंने, नो झूठ, ये झूठों के मास्टर हैं, झूठों के प्रोफेसर हैं, झूठों के बेताज बादशाह हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनेगी, वो फैसला करेगी, याचिकाएं पेंडिंग हैं। लेकिन सुप्रीम, मैं दोबारा बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश की जनता, देश के दलित, देश के हिंदू, देश के मुस्लिम, देश के सिख, देश के ईसाई, ये भी सुप्रीम है। इनका फैसला अभी आना बाकी है, हमें झटका नहीं लगा, हम इन झटकों से नहीं डर रहे, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हमने कोर्ट में अपनी बात रखी, कोर्ट ने जो निर्णय लिया हमने अपनी बात आगे भी रखेंगे और बड़ी जोर से रखेंगे। ये झटके तो इनके लिए हैं, हमारे झटके नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल ये झटके, ये जो इन पे झटके लग रहे थे हिंदू मुस्लिम विवाद करा के देश को कैसे बांटा जाए, इनके झटके थे बेरोजगारी,
इनके झटके थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सफल नहीं कर पाए, इनके झटके थे ये, इनके झटके थे अर्थव्यवस्था, झटके तो इनको लगे हुए हैं, झटके तो इनको लगे हुए हैं। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, अभी आप बोलोगे 70 साल, अभी बारी आने दो, 70 साल की झटके, झटके तो इन्होंने आपके मन में चोर लगे हैं, मन में चोर झटके तो इनको लगे हैं, कुछ नहीं बोल रहे जब से आए हैं चुन के 70 साल। अरे आप यही गाते रहोगे, आप क्या करोगे। ये कानून के लिए हमने 3 महीने मांगे थे, 70 साल हो गए, आपको मार्च तक क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी मार्च तक, आपको बोलना चाहिए था, आपको 4 हफ्ते मिले और आपको देश को देखना चाहिए, महिलाएं शाहीना बाग के अंदर कितने देख मिनट से बैठी हैं, आपकी सरकार ने उनके कंबल ले लिए, शौचालय बंद कर दिए, शर्म आनी चाहिए जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के शौचालय बंद कर दिए और कहते हैं स्वच्छ भारत कहां शौचालय हो। कहां आप भड़का रहे, आप जो है आप सिर्फ भागने के लिए जब आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता तो विरोध कर वो लाइमलाइट में आने की कोशिश करता है। आपके पास जवाब देने के लिए है नहीं, आप जवाब दे दीजिए, कुछ तथ्य नहीं है, जवाब तथ्य दीजिए, आप तथ्य दीजिए, तथ्य में बात कीजिए, आपके पास तथ्य है, आप तथ्यों में बात कीजिए, आप तथ्य की बात करते हो, आप यहाँ पे कोई यहाँ पे आपका भाषण सुनने के लिए नहीं, आपको सीए का मतलब नहीं पता, आप डिबेट में आए, सीए धर्म के आधार पर नहीं होता, आप बताइए, आप दलित विरोधी, आप समुदाय को आप बताइए, आप भाई भाई को आप ये बताइए, शर्म आनी चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बांध के राजनीति करना चाहते हो, समझ में आया, शर्म आनी चाहिए आपको, ये सुप्रीम क्या है समझ में आया, जनता सुप्रीम, आप बताइए जनता सुप्रीम, आपको अगर समझ में आया तो आप बताइए सीए क्या है, अगर आपको समझ में आया तो आप इसको व्याख्या कीजिए, क्या है सीए, आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, आप बताइए क्या है, क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं पता, आपके गृह मंत्री को नहीं पता, आपको मतलब नहीं पता, अरे आप बताइए, आपको नहीं पता तो सुनिए, आपके गृह मंत्री, आपको अगर नहीं पता तो आप मेरी बात सुनिए, आपको गृह मंत्री, आप बताइए प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए, दोनों के बयानों में फर्क है, तो आप बताइए, आप सुनिए, सुनेंगे ना, आप सुनिए या बताइए, सवाल मेरे से होगा, आपको पता ही नहीं है, इसमें बोले आपकी तैयारी नहीं है, डिबेट का आपको कानून के बारे में पता ही नहीं है, आपको पहले मेरी बात की, कानून के बारे में पता तो बताइए, आपका नाम अजोड़ा नहीं है, आप बताइए मेरे से किया है, बताइए, आप बोले आपने गरिमा खराब, आप बताइए, आप सीए क्या है, आप गरिमा खराब कर रहे हैं, आप कुछ भी गलत बोले जाएंगे, आप गलत बोले जाएंगे, सीए क्या है बताइए, आप झूठों के बेताज बादशाह, आप बताइए, आप सच बोलिए, नो झूठ, पहला झूठ, आप बेताज बादशाह, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा, जवाब दूंगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी हताशा को, मैं समझ चुका हूँ, नहीं है क्या है आपकी हताशा, मैं समझ सकता हूँ, मुझे बताएं, आप ये बताएं, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, आप बताइए, आपकी नेता इंदिरा गांधी जी थी, क्या कहा था उन्होंने, बताइए 2003 में, आप बताइए इंदिरा गांधी जी का क्या वक्तव्य था, अटल बिहारी थे, आप कांग्रेस से हैं, एनआरसी वेरीफाई किया था, आप कौन सी पार्टी से, प्रधानमंत्री कहते हैं, आप कौन सी पार्टी से, आप बताइए कौन सी पार्टी से, आप मैं देश विरोधी पार्टी छोड़ के सभी पार्टियों से हूँ, सभी पार्टियों से, ईमान पार्टी, यही बात है, झूठ पार्टी, आपकी पार्टी, सब पार्टियों के सेक्युलर है, मैं समझ सकता हूँ, आपकी तरह आपकी कोई पार्टी नहीं है, आपने कहा मैं सब पार्टियों से, पार्टी में आपकी कोई नीति नहीं है, आपकी पार्टी, आपकी कोई सोच नहीं है, जनता बता, आपका कोई विजन नहीं है, बता देगी बहने, आपका कुछ नहीं है, आप सिर्फ सत्ता के लालची, आपके पास कुछ बच नहीं गया, आपने कहा आप किसी पार्टी से, सब पार्टियों से, आपकी आज कोई सोच नहीं है, आपकी कोई पार्टी नहीं है, दलित विरोधी, आपका कोई विजन नहीं है, एक पार्टी है, आपकी हताशा मैं समझ सकता हूँ, आपकी हताशा मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे बताइए सीए, आप सीए का मतलब बताइए, उसकी व्याख्या कीजिए, सीए में क्या है बताइए, आज हम इसी बात पे बैठे हैं, सीए में जैन साहब बहुत जल्दी आपको जनता बताने वाली क्या है, ये तो आप पहले भी कह चुनाव में कह चुके हैं, आपने पहले खुद आप सवाल किया ना, आप सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, जवाब मुझे आप सीधे पहला झूठ, कंफ्यूजन मत फैलाइए, सीए भेद आप कहिए कि मुझे नहीं पता, सीए धर्म के आधार पर नहीं होना, मुझे नहीं पता सीए क्या है, मेरी पार्टी को नहीं पता, आप कहिए मैं बताता हूँ आपको, आप मना कीजिए, आपकी पार्टी को नहीं पता, आप मना कीजिए, आप नहीं पता, स्वीकार कर रहे हो, आप कहने पर स्वीकार करो, आपकी पार्टी को नहीं पता, स्वीकार करो, शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता स्वीकार कर रहा है, आप उसी का मतलब आप कह रहे हैं नहीं पता, मैं बताता हूँ, हमें तो मैं कह रहा हूँ, नो झूठ, नो झूठ, आप का क्या मतलब समझे, आप भाग रहे हैं चेहरे पे, आप भाग रहे हैं, अरे भागे तो आप भाग रहे हैं, अभी देखिए चार हफ्ते हैं ना, माध्यम से बताना चाहता हूँ, अरे जो लोग आपकी पार्टी भ्रम फैलाती है, आपकी पार्टी तथ्य से बहुत दूर है, आपकी पार्टी भ्रम फैलाती है, लेकिन ये भ्रम फैलेगा नहीं, जनता बहुत समझदार है, सजग है,
आप सालों साल से ये बात कहते आ रहे हैं, जब भी चुनाव आता है आपको मुंह खानी पड़ती है, आपने हर चुनाव के अंदर आप भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और फिर आप मुंह के खाते हैं। हम कई बार इन्हीं डिबेटों के माध्यम से क्या हुआ, पांच राज्यों में क्या हुआ, आज आप पांच राज्य छठा जाने वाले हैं, आप सातवां बिहार जाने वाले हैं, पांच राज्य खो दिए आपने, पांच राज्य खो दिए, एक दो तीन चार पांच, अब आपकी उल्टी गिनती, अब आपकी उल्टी गिनती, दस नौ आठ सात पांच छह चार तीन दो एक, आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है आपकी, आपके कहने से नहीं होगा, जनता बताएगी, आपके कहने से नहीं होगा, हमारे कहने से होगा, आप जनता को एजुकेट करेंगे, कहने से कुछ नहीं होगा, भ्रम डाल रहे हो, उस भ्रम से लोगों को निकालेंगे, अरे आप निकालिए, बुद्धिजीवी हैं, लोग बड़े समझदार हैं, महिलाएं पुरुष नौजवान, आपने जेएनयू, आप बच्चों से अत्याचार करते हो, कॉलेज में घुस के छात्राओं को मारते हो, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपका गृह मंत्रालय, आपके गृह मंत्री आप चाहिए, कन्हैया जैसे लोग, महिलाओं को कन्हैया जैसे लोगों के साथ मिली पार्टी आपकी, बच्चियों को, अरे आप आपने वॉशरूम में जाके, अफजल गुरु किचन में जाके, अफजल गुरु जैसे लोगों को आप समर्थन देते हो, बच्चियों के साथ ऐसा किया, आप कन्हैया जैसे लोगों की पार्टी से मिले हो लोग, शर्म करो, शर्म करो, मैं तो कहने शर्म करो, बहुत हो गया आपने, कन्हैया गुमराह किया, कन्हैया क्या कहते हैं, कन्हैया कभी आप आर्मी को गाली देते हैं, कन्हैया तो कभी आप चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गाली देते हैं, मैंने आप कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे गरीबा को आप बोलते हैं, आप गली का गुंडा, ये गली का गुंडा बोलते हैं, साफ होने वाले आप ऐसे गरीबा, गरीबा पूर्ण पद के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप गली का गुंडा बोलते हैं, आपकी यही गरिमा है, आपको एनआरसी आपकी यही गरिमा, आपकी एनआरसी पता ही नहीं, आप बताइए, आप बताइए, परिवार नहीं है, आप बताइए क्या है, हीरो नहीं है, आप बताइए क्या है, आप बताइए सीए क्या है, कैसे भटका रहे हो, आप बताइए, मैं आपसे पूछने नहीं आया, सर्टिफिकेट मैं दूंगा, आप बताइए, आप खुद कहते पुरानी पार्टी, हम सर्टिफिकेट देने आए लेने नहीं आए, बिल्कुल सही बात, सर्टिफिकेट देते हैं लेते नहीं है, वापस करो, आप सर्टिफिकेट देने आए, वापस करो सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट वापस करो, दिया तो हमने, आपने वापस आपसे लेंगे, बनाकर वापिस तो आप देंगे, वापिस कीजिए, आप देश के नौजवान, आपके पास कुछ नहीं है, देश के शायर वापिस कीजिए, देश के स्पोर्ट्समैन, अरे वापिस कीजिए, अवार्ड वापिस ले रहे हैं, इतनी गंदी सरकार, आप वापिस कीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है, देश के खिलाड़ी अपने अवार्ड वापिस दे रहे हैं, हाँ। देश के सैनिक अवार्ड वापिस दे रहे हैं, देश के शायर, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, बताएं क्यों होता है, क्यों होता है, बताएं क्यों होता है, बताएं क्यों होता है, वापिस कीजिए, बताएं क्यों होता है, वापिस कीजिए, बताएं क्यों होता है, ये डेमोक्रेसी है जो आप बोल पा रहे हैं, देश के खिलाड़ी, देश के महिलाएं अपने अवार्ड वापिस दे रहे हैं, अवार्ड क्या बात है, भारत एक लोकतंत्र देश है, चाहिए भारत वर्ष अजय जी अवार्ड के लिए, अजय जी अवार्ड के लिए, आप अगर सीए का विरोध कर रहे शांति के साथ, अवार्ड वापसी की बात करें, असहिष्णुता की बात कर रहे हैं और पांच राज्यों की गिनती यहां पर गिना रहे हैं और छह सात के आगे बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनावों में नतीजा तो आपने खुद देख लिया ना, तो फिर ये बात क्यों और क्यों जेएनयू का विवाद अभी आ रहा है, अभी अगर सीए की बात, अगर सीए का जिक्र हम कर रहे हैं, नहीं अजय जी अगर सीए का जिक्र हम कर रहे हैं, आपने अच्छा सवाल किया, अजय जी मैं बताता हूं, इनके गृह मंत्री, नहीं आप बेहतर होगा ना सीए को लेकर बात कीजिए, आप व्याख्या की बात कर रहे थे ना, आप व्याख्या की बात कर रहे हैं, आप व्याख्या करिए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं जी जब चुनाव हुआ कहते हैं कि देश के मुद्दे अलग हैं, राज्य के अलग हैं, हम नहीं बोल रहे, जब ये हारे इन्होंने कहा जी हमने प्रचार किया था, अरे अजय जी आप फिर राज्य के मुद्दे पर आ ही नहीं रहे हैं, अजय जी देश के मुद्दे, आप इतनी देर की जो आपकी डिबेट हुई है, आप जो फेस टू फेस बातें करने की सोच रहे हैं, आप असल मुद्दे पर तो आ ही नहीं रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप मुखौटों की बात कर रहे हैं, अब और बात कर रहे हैं, वही वही अच्छा हुआ कि आप समझ गए सीए की बात कर रहे हैं, दलित विरोधी, अरे सीए कैसे समुदाय विरोधी, कैसे विरोधी, समुदाय विरोधी, हम तो कह रहे हैं, हम तो मैडम कह रहे हैं, आपने सवाल किया एक शब्दों में, मैं गागर में सागर भरता कहता हूँ, एनआरसी एनपीआर देश के लिए घातक है, ये मुद्दों से भटका रहे हैं, फटाफट लाते हैं फटाफट, इतनी जल्दी किस बात की है, अभी पहले बेरोजगारी देखो, अर्थव्यवस्था देखो, महिला सुरक्षा देखो, ऐसे क्यों एकदम क्यों ऐसे गुमराह मत करो, इंदिरा गांधी जी एक पे एक, इंदिरा गांधी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी ने बोला कोई घुसपैठिया नहीं चाहिए, राजीव गांधी जी ने बोला कि इस तरह के कानून आएंगे वो लेके आए, आप अपनी पार्टी जीएसटी आपने शुरू किया, एनआरपी आपने शुरू किया, लेकिन आप उसको एक्शन में कभी नहीं ला पाए, जब भाजपा आई उसने उसको कार्यरत किया, 370 हटनी चाहिए ये कांग्रेस ने कहा, लेकिन उसको हटा नहीं पाए, आप कोई भी काम कर नहीं पाते पूरा, और जब भाजपा करती है तो आप उसके ऊपर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, आपकी पार्टी कभी कुछ नहीं कर पा रही सिवाय गुमराह करने के, तो ये जवाब दे दूं मैं, आपने जीएसटी की अच्छी बात की, आपको बहुत ज्ञान है जीएसटी का,
जीएसटी हम लेके आ रहे थे और आपने हमें फॉलो किया, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो हम लेके आ रहे थे आपने वैसा नहीं किया। क्यों नहीं? फिर एक मिनट, हमने कहा था, आपने विरोध किया था, आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने बोला, हम लेके आ रहे थे, नकल के लिए अकल चाहिए, हमने कहा था, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, कहां हुआ? ऑटोमोबाइल्स के अंदर स्कूटर ऑटो रिक्शा के पार्ट, साइकिल के पार्ट 28%, लग्जरी गाड़ी पे 5%, ऐसा क्यों जीएसटी बता रहे हैं? जीएसटी की दर बताए ना, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये वन नेशन वन टैक्स, आप जीएसटी की बात कर रहे हो? आप मैडम, इन्होंने पहले एक सवाल तो सुन लीजिए, आप क्या, आपके प्रधानमंत्री क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है? बिल्कुल हमारे, क्या आप इस देश के नहीं है? बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री, बिना भूमिका क्या, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप बताएं, अगली बात पूछिए मेरे से, आप पूछिए मैडम, पूछिए अगली क्या बात है। मैं जीएसटी की बात कर रहा था, जब जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की बात, जीएसटी की नहीं हो रही, बात कुछ और हो रही है। मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ, जीएसटी मैंने बहुत पढ़ा है, आप ज्ञान सुनिए, जीएसटी के लिए मैंने एक बात बताई है कि आप जीएसटी, आप कहते हैं जी हम लेके आ रहे थे लेकिन ला नहीं पाए, जब भाजपा ले आई तो आपने विरोध किया। सुनिए, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपका मुद्दा दे रहा हूँ, आप उसको खूब लेके उछलना। मैं अभी आपको मुद्दा दे रहा हूँ ना, आपने राफेल की कोशिश करी, आप फिर बाद में आप पटकते रहते हैं कि साहब राफेल में ये हो गया। आप दो टन तक आपकी सरकार, यूपीए की सरकार, यूपीए की सरकार दो बार तक रही, आप ऐसा क्यों करते हैं कि आपसे कुछ हो नहीं पाता और जब भाजपा उसको कर देती है तो उसको सक्सेस के बाद आप जोर से उछलते हैं, देश को गुमराह करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि डिटेंशन सेंटर, मेरी बात सुनिए, डिटेंशन सेंटर किसने बनवाए आप बता सकते हैं? अच्छा, बताओ आप बताए किसने बनवाए? आपके प्रधानमंत्री कहते हैं है ही नहीं। अरे आप बताइए किसने बनवाए? रामलीला ग्राउंड के अंदर आज भी 988 हमने 6 सेंटर, आप बताए किसने बनवाए? प्रधानमंत्री, अरे बनवाए किसने प्रधानमंत्री? अरे वो तो ठीक है, ग्राउंड में क्या, अरे बनवाए किसने रामलीला ग्राउंड में? कहते हैं अरे किसने बनवाए भैया, टूट जाएगा तुम्हारा, नहीं लग रहा पैसा, किसने बनवाए? बिल्कुल आपके प्रधानमंत्री झूठे हैं, बनवाए किसने रामलीला ग्राउंड के अंदर? किसने बनवाए? आरएसएस के प्रधानमंत्री, किसने बनवाए? आरएसएस के प्रधानमंत्री, आप लोगों ने जो आवाज के आज आप जो मसीहा बने हुए हैं, आपकी सरकार में, आपकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी ने, आपके राजीव गांधी ने, आप लोगों ने किस तरह का जुलम करने की कोशिश करी, जबकि हमारी सरकार ने, मैडम बीच में रोके, हमारी सरकार ने, हमारी सरकार ने कहा किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, आपने मुझे किसी को डिटेंशन सेंटर में बंद नहीं किया जाएगा, कहने से नहीं रोके तो मैं इनको कैसे रोक दूं? आपने भी तो अभी जिक्र किया, आपने बस एक लाइन में कह के आप साइड में हो जाएंगे, मान लिया, इसे स्वीकार कर, आप गाली दे रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, आपने कोई गरिमा दी? क्या गाली दी? आप उनको क्या कब झूठ बोलना गाली है? आप जो है झूठ बोलना पाप है, देखिए झूठ बोलना पाप है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, नो झूठ, आपको शर्म आनी चाहिए। इंसान कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत को, ये तो करते वही है भैया आप, ये तो चलिए अजय जी, आपने शुरुआत में कहा तो था कि फेस टू फेस बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि सामने बैठ के हम जो अपने मुद्दे हैं उनको सुलझा सके, लेकिन अभी यहाँ पर लगा नहीं, आप सिर्फ बस आक्रामक होते हुए दिखाई दिए, यानी कि जो सीए को लेकर विरोध हो रहा है वो यहाँ पर विरोध भी करते रहे, लेकिन सीए का मतलब जिस तरह से आप व्याख्या समझाने की कोशिश कर रहे थे आप कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई नहीं दिए। तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका फेस टू फेस कार्यक्रम में। तो सीएए जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से साफ कर दिया है कि 4 हफ्ते का समय केंद्र सरकार को दिया जाएगा, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार यहां पर जवाब दाखिल नहीं करती है इस कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कोशिश विपक्ष के जरिए लगातार थी कि 3 महीने का स्टे उसको किसी ना किसी तरह से मिल जाए, लेकिन 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।